ये देखिए ये टाइगर का एरिया शुरू हो गया है, ये पूरा टाइगर का एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज जाएंगे सेला बाबा दरगाह जो कि पीलीभीत से आगे है, और हम रूट पकड़ेंगे यहाँ से बीसलपुर, बीसलपुर से पीलीभीत, पीलीभीत से सीधा दरगाह की तरफ। और अभी आप देख रहे हैं मैं इस टाइम पंप पे आया, और जो है थोड़ा सा काम था यहाँ पे मुझको, तो मैं अब सीधा घर जाऊँगा, घर से सारे फ्रेंड्स को कॉल करूँगा, फिर साथ में निकलते हैं। फ्रेंड्स अब हम बस निकलने वाले हैं, ये लोग आ गए हैं, आप देखिए ये बैठ रहा है, इसको बैठ ही नहीं मिल रहा, इसको तो एडजस्ट करने में बहुत देर लगती है, काफी लंबे हैं। हाँ मोट भारी भरकम है, लंबे नहीं होते हैं, भारी भरकम। और एक जे आया है, इसको आज हम पहले ही खिला के जाएंगे कहीं पे रोक के, ताकि अब जो कार जो है वो सीधा वहीं रुकेगी, पहले तो वहीं पेट पूजा करवा लें, और आगे जो है एक फ्रेंड और आएगा तभी हम निकलते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब सब आ चुके हैं, और हम ये भी बैठा है, अब हम जो है निकल चुके हैं, लखनी पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ी है, बड़ी दिक्कत हो रही है दोनों चीजें करने में। आगे कहीं ले ले, आगे मिल जाएगा सब चीज, तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम करके रोक के चलेंगे। हम आ चुके हैं बीसलपुर, अब यहाँ से निकलेंगे पूरनपुर, और वहाँ पे एक जंगल है उसको क्रॉस करके निकलेंगे। ये लास्ट गांव था, और अब जो है हम माला का जंगल स्टार्ट होने वाला है। आप देख रहे हैं ये बैरियर जो सामने शायद आपको दिखता होगा, ये बैरियर है, और ये देखिए, और ये हो गया है स्टार्ट यहाँ से। ये देखिए ये टाइगर का एरिया शुरू हो गया है, एक पुलिस वालों ने ये अपनी सेफ्टी के लिए बना रखा है, सिक्योरिटी के लिए, और एक ये इधर कच्चा रोड जा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे के लिए, ये पूरा टाइगर का एरिया है। यहाँ पे एक बार न्यूज़पेपर में आया था, यहाँ पे एक टाइगर ने एक आदमी को खा लिया था, और एक बंदा जो है वो पेड़ पर चढ़कर उन्हें पूरी रात गुजारी, घर के लिए लकड़ी ले जाते हुए, शायद इसी से ही ये लोग खाना उना बनाते होंगे। ये देखिए गाइस, ये हिरन के बच्चे हैं, अब करीब 4-6 हैं, और ये हमी को ही देख रहे हैं, वो भागे अभी भी हैं, भाग जाएंगे पीछे करिए, वो देख रहे हैं भाग जाएंगे, मुझे देख रहे हैं, जावेद भाग जाएंगे। गाइज अभी आपने देखे हिरन, और आगे चलते हैं देखते हैं कुछ और मिलता है, फिलहाल मजा आया देख के, मगरमच्छ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और हाँ हम भी यही दुआ करते हैं कि मगरमच्छ मिल जाए। शील्ड ब्रो। फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमने जो है एक मगरमच्छ देखा था, फिलहाल अब देखने की कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, देखते हैं आप। अगर आज रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं है, आओ इस साइड में देखते हैं शायद कुछ मिले। फिलहाल तो फ्रेंड्स यहाँ पे शायद इस वजह से कुछ नहीं है मगरमच्छ ऊपर, क्योंकि ठंड बहुत है, यहाँ का रोड बहुत खराब है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 17 किलोमीटर है पूरनपुर यहाँ से। फ्रेंड्स ये देखिए एक रिवर है इस साइड में, देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है इसका,
काफी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप इस साइड में भी देख सकते हैं। हाँ, हम जो है अब पूरनपुर के लिए निकल चुके हैं और वहाँ से फिर बाइफरकेशन जाएंगे, वहाँ पे कुछ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर सेला बाबा के लिए निकलेंगे। गाइस हम आ चुके हैं अब पूरनपुर, यहाँ से बाइफरकेशन का रोड देखेंगे क्योंकि सेकंड टाइम आए, फर्स्ट टाइम आए थे तो गूगल मैप के थ्रू आए थे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अब पूरनपुर के बाईपास पे, अब यहाँ से निकलेंगे हम सीधा बाइफरकेशन। अब देखते हैं कहाँ इस साइड मोड़ना, लेफ्ट, तो हम मुड़ते हैं लेफ्ट पे। ओके यू, फ्रेंड्स इन ये तीनों ऐसी बेकार हैं, इन्हें किसी को कार नहीं चलानी आती है और मुझे को ही लंबा ड्राइव करना पड़ता है, कहीं जाते तो मैं ही चलाता हूँ। इन दोनों से कह रहे हैं सीख जाओ, सीख ही नहीं रहे। बोलो अभी हम सीखेंगे यहीं पर तो ये सीखेंगे तो ये हमें ऊपरी पहुंचा देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है रिवर का, पास से चल के देखते हैं। ये देख रहे हैं आप नज़ारा कितना शानदार है, पानी गिरता हुआ कितना बढ़िया लग रहा है। हम आ चुके हैं बाइफरकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन जगह से डाइवर्जन है रिवर का, एक दो और ये एक सीधा जा रहा है, बिल्कुल ये तीन जगह से डाइवर्जन है। देख रहे हैं आप कितनी, आज तो इस बार तो फुल लग रही है क्योंकि तो लास्ट टाइम हम आए थे तो पानी बहुत कम था। जो बड़े बड़े वो लगे वो उठाने के लिए, फ्लो पानी का रोकने के लिए। फ्रेंड्स वो आप उधर वाला रास्ता देख रहे हैं वो सीधे चूका बीच के लिए जाता है, वो सिर्फ जो है यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर वो ही लोग यूज करते हैं उस। फ्रेंड्स आपने देखा ये एक स्लिप कटी है और अगर इसको खो दिया तो आप दोबारा से स्लिप कटवाएंगे, इसलिए जो है संभाल के रखिएगा। आपको एक चीज दिखाते हैं, आप ये देखिए इसमें घास है और पता नहीं पेड़ वेड़ भी है और सब कुछ है, और हम इसके दूसरी साइड आपको दिखाएंगे पानी कितना साफ है, आप वो चीज देखिए। ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह सफेद पानी बिल्कुल, और एक पत्ता नहीं बिल्कुल पानी। फ्रेंड्स आपने देखा उधर कितनी गंदगी है और आप इसको देखिए और कितना साफ है, और इसकी साउंड सुनिए पानी की। किलोमीटर के बाद दरगाह पड़ेगी, अब व्यू देखिए कितना बढ़िया है और आगे देखिए रोड कितना बेकार है और सिंगल रोड है। सामने आप देख सकते हैं दरगाह है,
लोग मज़ार पे हो लिए और फाता वगैरह कर लिए, खाना भी खा लिया है और जो भी लोग थे यहाँ पे उनको भी थोड़ा थोड़ा खिलवा दिया है। अब आप मज़ार का व्यू देख लीजिए। अब जो है हम यहाँ से निकलेंगे सीधा, पहले हमारा प्रोग्राम था कि मज़ार से होते हुए पीलीभीत जाके सीधा घर पे, बट अब जल्दी सब कुछ हो गया है तो हमारा प्लान चेंज हो गया है। अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे खटेमा होते हुए नानकमत्ता के लिए, तो हम वहाँ के व्यू दिखाएंगे आपको, मिलते हैं। किसका? पाँच से निकलूंगा। किस चीज़ का? चिप्स का। चिप्स का? वो चिप्स ही थे, पता नहीं कौन सी वैरायटी है। अच्छा सा टेस्ट है यार, जंगल बहुत गहरा है। अब इशरत का पेट भरा नहीं भरा ये पूछ लो। मजा आ गया, आप चाय पीते हैं। ये बढ़िया बनाई।